भत्ता मिलेगा। आज हमारी जो बहने हैं आदिवासी बहने जो खुलेआम उनका उनके साथ जो अत्याचार हो रही है, हाल ही में अभी गोविंदपुर में इस तरह की बहुत बड़ी घटना हुई है आदिवासी के साथ, तो देखा जा सकता है, कहा जा सकता है कि इस झारखंड सरकार में जो भी हो रहे हैं कोई भी खुश नहीं है। इसीलिए इस परिवर्तन यात्रा के तहत सबको संकल्प लेना है और ये झारखंड सरकार को उखाड़ के फेंकना है। जिस तरह से हमारे केंद्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उस तरह से हम लोग झारखंड में भी अपनी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो जनता को, माताओं को, बहनों को जो लाभ पहुंचाने का वो काम किए हैं, आज हमारी माताएं घर में शौचालय का आनंद ले रही है, घर घर में नल से जल की योजनाएं हैं, बहुत सारे जो हमारे रघुवर दास जी का कार्यकाल में जो आवासें बनी थी, प्रधानमंत्री आवास, गैस का कनेक्शन, बता दें कि अभी 4 साल में ना ही कि किसी को नया गैस का कनेक्शन मिला है ना ही आवास। ये अभी अभी 2 महीने बाकी है विधानसभा होने में और लुभावने वाले बातों से 1000 रुपया देके वो सोच रहे हैं कि सारे झारखंड के जनता को खरीद लेंगे, लेकिन नहीं, हमारे झारखंड में सभी माताएं बहनें सभी जनताएं जाग चुकी है कि ये सरकार को उखाड़ के फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, ये मोदी जी की गारंटी है और आसानी नहीं, पूरा विश्वास है, सबके साथ सबका प्रयास और सबका विकास करने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। भाई एवं बहनों, आसानी नहीं, पूरा विश्वास है कि जनसभा में जितने लोग आए हुए हैं सभी संकल्प ले इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। इन्हीं जन विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय झारखंड, जय भारत, भारत माता की जय। यहाँ आज परिवर्तन सभा का आयोजन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब प्रदेश कार्य समिति की सदस्य हम सब की बहन श्रीमती प्रियंका